राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो इनको मैं आपको एक बार चर्चा कर देता हूँ। एक तो प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक के ऊपर जो निर्णय ले सकता है वो तीन निर्णय है या तीन विकल्प हैं। एक तो राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी सहमति दे दें। सहमति देने का मतलब है उसे साइन कर दें, सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर दें। दूसरा विकल्प प्रेसिडेंट के पास में क्या है, दूसरा है कि सहमति रोक दें, यानी कि वो उसे परमिशन ना दें। और तीसरा विकल्प है कि वो पुनर्विचार के लिए उसे सरकार के पास वापस भेज दें, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। ये हो सकते हैं प्रेसिडेंट के तीन ऑप्शन। लेकिन जो धन विधेयक है उस मामले में प्रेसिडेंट के पास में क्या विकल्प नहीं है, विकल्प तीसरा वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल नहीं है, और चौथा वाला, ये जो सेकंड वाला विकल्प है ये भी संशोधित है, अभी समझाता हूँ क्या है। पहला वाला तो है कि प्रेसिडेंट जो है धन विधेयक के मामले में केवल दो निर्णय ले सकता है, क्या, या तो वो ए वाला निर्णय ले जो कि सामान्यतः वो लेते हैं, सहमति दे, और वरना दूसरा विकल्प क्या है उनके पास में, उसे वो निरस्त कर सकते हैं, निरस्त या कैंसिल कर सकते हैं। ये दो विकल्प उनके पास में है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का विकल्प नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं वित्त विधेयक, जिन्हें कहते हैं फाइनेंस बिल। क्या होते हैं फाइनेंस बिल? तो जो वित्त विधेयक है या फाइनेंस बिल है उनके बारे में ये है। फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक क्या होते हैं, इनको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे रीजनिंग में आप लोग आरेख या जो वेन डायग्राम आदि पढ़ते हैं उस तरीके से, यदि मैं ये बना दूँ तो ये अर्थ क्या हो गया, बीच में मैंने बना दिया, यानी कि एक ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने, उस रेक्टेंगल के बीच में एक सर्किल ले लिया, तो ये तो हो गया धन विधेयक, और जो ये बाकी सारा का सारा है ये हिस्सा, ये है वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल। तो आप जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जितने भी धन विधेयक हैं, जितने भी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक ही होते हैं। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक अवश्य होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक जो हैं वो धन विधेयक नहीं होते। जैसे आप यहाँ देख पाते हो कि वो वित्त, कुछ वित्त विधेयक तो धन विधेयक होंगे, लेकिन बाकी जो वित्त विधेयक हैं वो धन विधेयक नहीं होंगे। ये क्वेश्चन जो है CDS के एग्जाम में आया कि ऑल द मनी बिल आर फाइनेंस बिल बट ऑल द फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। एक तो ये पॉइंट है। अब ये जो वित्त विधेयक होते हैं ये दो प्रकार के हैं। वित्त विधेयक को दो श्रेणियां होती हैं, एक तो कहलाते हैं कैटेगरी ए, यानी कि पहली श्रेणी के कहलाते हैं, और बाकी जो दूसरा कहलाता है कैटेगरी टू। ये वो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर ये है, कुछ तकनीकी छोड़कर परिभाषा का एग्जाम्पल, कि सरकार को खर्च करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो खर्चे या व्यय एक्सपेंडिचर के लिए उसे सेकंड कैटेगरी का फाइनेंस बिल प्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुत करना होता है संसद में। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो धन विधेयक के अंदर जो प्रावधान है धन विधेयक में A to F तक, यानी कि कैसे चय तक जो प्रावधान दे रखे हैं, कैसे चय तक धन विधेयक में, ये उनसे संबंधित होता है, और उनके अलावा कुछ और भी चर्चा करता है। यानी कि वित्त विधेयक वो होते हैं जो धन विधेयक की बातें तो करते ही हैं, उनके अलावा अन्य चीजों का भी इनमें जिक्र किया जाता है। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि ये जो कैटेगरी ए है ये लोकसभा में इसकी शुरुआत होगी, ये और इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि कौन से दो विधेयक ऐसे हैं, रिवाइज करते हैं, जो केवल लोकसभा में ही शुरू होंगे, हमारा आंसर होगा एक तो धन विधेयक मनी बिल जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा, और दूसरा जो है वो होते हैं कि फाइनेंस बिल का कैटेगरी वन कैटेगरी, ये भी इसी में लोकसभा में। बाकी जितने भी विधेयक हैं, नियम बना लीजिए, बाकी जितने भी बिल हैं चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि ये कैटेगरी टू क्या है, कैटेगरी टू प्रस्तुत किए जा सकते हैं लोकसभा या
राज्यसभा। बाकी सारे नियम जो है वही होंगे जो सामान्य विधेयक पर होते हैं। क्या कि इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है यदि सहमति ना बने। दूसरा, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त बैठक को भी बुला सकता है। ये कुछ इनकी विशेषताएं थी। अब हमने शुरुआत जो करी थी वो करी थी कि बिल कितने प्रकार के हैं। तो एक तो सामान्य बिल, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो बड़ी सामान्य बहुमत से पारित होते हैं और उनके कोई सवाल भी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। दूसरा हमने पढ़ा धन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये कंप्लीट हो गया। तीसरा जो विधेयक है वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। ये जो विधेयक होते हैं संविधान संशोधन, ये भी तीन तरीके से संशोधित किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था हमारे यूपी एसआई के एग्जाम में, संविधान संशोधन विधेयक कर लेते हैं या बिल, और इसके लिए हमें अनुच्छेद भी याद करना है, वो है 368। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये इनके कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में। तो ये तीन तरीके से इनको संशोधित किया जा सकता है संविधान को। देखिए, हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारा संविधान ना तो कठोर है ना लचीला है, ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को में समय के बदलाव के साथ परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी कि जो चेंजेस लाना चाहें सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में चेंज आते हैं उसके आधार पर हम कर सकते हैं। तो एक तो होता है सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत क्या होता है, मैंने चर्चा भी करी थी। सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी जो होती है वो होती है कि जितने वोटिंग के दिन उपस्थित होंगे सदस्य, उनके आधे से एक ज़्यादा अगर वोट पक्ष में करेंगे तो वो पास हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि 545 सदस्य हैं लोकसभा के और इनमें 273 जो हैं वो इसके पक्ष में मतदान करें तो प्रस्ताव पारित होगा। इसकी ज़रूरत कहाँ होती है, इसकी ज़रूरत होती है कि जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो, उत्तराचल का उत्तराखंड करना हो, उड़ीसा का नाम बदला गया हो, या किसी राज्य में से निकालकर एक अन्य राज्य का गठन किया गया हो, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, उसके लिए चाहिए होती है सिंपल मेजोरिटी। या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या अन्य पदाधिकारियों के वेतन में परिवर्तन करना हो, सिंपल मेजोरिटी कहलाएगा। दूसरा जो तरीका है वो कहलाता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत जो है दो चीज़ों पर टिका है, दो शर्तें होती हैं विशेष बहुमत की। एक तो जितने सदस्य उपस्थित हों उसका दो तिहाई मत जो है उसके पक्ष में पड़ने चाहिए। मैं समझा देता हूँ एक चीज़ से। जैसे लोकसभा में 545 सदस्यों में से केवल मान लीजिए 300 आए, तो 300 सदस्य, ये 300 तो दो तिहाई कितने हो गए, 200, ये बात होगी। तो दो तिहाई वाली एक शर्त है, लेकिन इसमें दूसरी शर्त भी इंपॉर्टेंट है। क्या है दूसरी शर्त, यह है कि पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी होने पर ही यह विशेष बहुमत से पारित होगा। और पूर्ण बहुमत का मतलब यह हो गया कि लोकसभा के अंदर टोटल सदस्य कितने हैं 545, तो कितने सदस्यों की सहमति चाहिए होगी, 273। यानी कि अगर कोई, मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित हुआ और उसने पहली शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन वो शर्त पूरी होने पर जो दूसरी शर्त थी वो पूरी नहीं हो रही। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि दूसरी शर्त कह रही है कि 273 जो है उसके पक्ष में मतदान करें, जबकि यहाँ पर कितने हैं, सॉरी 273 सदस्य कम से कम उसके पक्ष में होने चाहिए, लेकिन दो तिहाई की शर्त में संख्या कितनी बैठ रही है, 200। तो इसका मतलब है ये प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं होगा जो एक कंडीशन को तो पूरी कर रहा है और दूसरी को पूरी नहीं कर पा रहा। और ये विशेष बहुमत कहाँ आवश्यक होगा, जैसे हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है जो तीसरे भाग में पार्ट 3 में दे रखे हैं, उनमें अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो इसी विधि से चेंज किए जा सकते हैं। तीसरा तरीका जो है, तीसरा तरीका है कि बी वाली कंडीशन तो पूरी हो, विशेष बहुमत तो हो ही, प्लस इसके अंदर देश के जो कुल राज्य हैं, देश के आधे राज्यों की विधानसभा, इसमें देखिए राज्य की बात कही गई है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है। तो
आधे राज्यों की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसकी सहमति, विधानसभाओं की सहमति जरूर चाहिए, तब जाकर ये प्रस्ताव जो है या ये संशोधन मान्य होगा। तो यहाँ ये कंडीशन जो है, दो कंडीशन हो गई इसके अंदर, एक तो पहली वाली ये पूरी करें, बी वाली, बी में क्या थी, पहली दो थी, तो तीसरी कंडीशन और क्या होगी, आधे राज्यों की। मान लीजिए भारत में जैसे 28 राज्य हैं, तो 14 राज्यों की विधानसभा जो है कम से कम इस प्रस्ताव को पारित करेगी, तब जाकर राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है जीएसटी। जीएसटी बिल राज्यसभा से शुरू हुआ क्योंकि राज्यों से संबंधित जो अधिकार है उनमें संशोधन या अमेंडमेंट करना था। राज्यसभा के बाद गया लोकसभा, और उसके बाद देश की 14 राज्यों की विधानसभा, कम से कम 14 राज्यों की विधानसभा ने जब वो प्रस्ताव पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस पर हस्ताक्षर करे और इस प्रकार से जीएसटी कानून देश के अंदर लागू हुआ। यह क्वेश्चन आया था यूपीएसआई के एग्जाम में, जब पूछा गया कि भारत में संशोधन कितनी प्रकार से संविधान में किया जा सकता है, तो ए बी सी यानी कि तीन प्रकार से। अब अगले पेज पे आ जाइए। मैं जो करा रहा हूँ आपको, मैं ये वाली बुक करा रहा हूँ जो मेरी स्वयं की लिखी हुई है, जिसमें ऊपर की तरफ आप मेरा नाम देखेंगे डी के राठी के नाम से, और इसमें हम जो कर रहे हैं पेज नंबर, वो कर रहे हैं आप पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 के अंदर संविधान संशोधन की जो बात है उसमें और दो पॉइंट लिखे हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, और यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया। क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आम तौर पर राष्ट्रपति के सामने तीन विकल्प होते हैं किसी भी विधेयक पर जो उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, या तो वो सहमति दें यानी कि परमिशन दें, सिग्नेचर कर दें, या वो अपनी सहमति रोक दें यानी कि वो उसके ऊपर अपनी परमिशन ना दें, और तीसरा है कि वो पुनर्विचार या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है इसमें जो पुनर्विचार है, ऑप्शन है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, के लिए वापसी नहीं, ठीक है जी। तो ऐसे दो विधेयक कौन से हैं, ऐसे दो बिल कौन से हैं जिनमें राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता। हमारा आंसर होगा एक तो धन विधेयक मनी बिल, और एक आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो पुनर्विचार के लिए वापसी नहीं है, हमारे पास आंसर क्या होगा, एक तो धन विधेयक, याद कर लेना हमें, सॉरी विधेयक, और दूसरा क्या हो गया, संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और एक हमने बोल दिया ये हो गया मनी बिल, याद कर लीजिएगा। और एक जगह आप बुक के अंदर स्पेस है इतनी, वहां पर लिख लीजिए ताकि आप इसे याद कर सकें। और एक पॉइंट दे रखा नीचे की तरफ, ध्यान रखें, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फिर यूपीएसआई के एग्जाम में आया, उसमें यह पूछा गया कि जैसे हमारे यहाँ पर आरक्षण है एससी एसटी के लिए, आरक्षण केवल मैंने आपको बताया था लोकसभा में है, राज्यसभा में आरक्षण सीटों का नहीं है, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। लोकसभा में आपने पढ़ा था कि लोकसभा के अंदर 84 सीटों तो अनुसूचित जाति या एससी के लिए, और 47 सीटें जो हैं वो एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये आरक्षण जो है, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय एक आ गया कि ये 10 साल के लिए होगा, उसके बाद से हर बार संविधान में संशोधन करके इनको 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन यही था कि लोकसभा और विधानसभाओं में, लोकसभा के अलावा आप ये देखिए हमारे राज्य की जो विधानसभाएं हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में भी आरक्षण है, हालांकि ये संख्या नहीं है कि 47, लेकिन एससी एसटी का आरक्षण है। तो हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी के आरक्षण की समय वृद्धि कितने दिनों के लिए या कितने वर्षों के लिए एक बार की जाती है, आंसर होगा 10 वर्ष के लिए। हाल ही में जो संविधान में संशोधन हुआ है वो हुआ है 104वां, और इस संशोधन में किया गया है कि 2020 से लेकर और 2030 तक के लिए एससी एसटी की सीटों को आरक्षित किया गया। अगला आ गया पॉइंट हमारा संसदीय शब्दावली, इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले दे रखा है त्रिशंकु संसद, इसे कहते हैं हैंग पार्लियामेंट। क्या होती है हैंग पार्लियामेंट,
हैंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु का मतलब होता है कि जब चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो ऐसी संसद, ऐसी विधानसभा त्रिशंकु कहलाती है। जैसे 543 सीटों पर चुनाव होते हैं लोकसभा में और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, और ऐसी स्थिति हमारे यहाँ बहुत बार उत्पन्न हुई है 2014 से पहले कि कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, यानी कि 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसे में गठबंधन बनाकर ये संख्या जो है वो पूर्ण की गई। ऐसी कोई भी संसद, चाहे सरकार तो 5 बार चल गई लेकिन वो संसद जो है या विधानसभा ऐसी हो तो उसे त्रिशंकु कहा जाता है। अगला हो गया कुछ प्रस्ताव जो लोकसभा में रखे जाते हैं, उनमें से एक है निंदा प्रस्ताव, इसे कहा जाता है सेंसर मोशन। जैसे कि हिंदी का वर्ड है निंदा, तो इसका मतलब है कि सरकार की आलोचना की जाती है, इसे कहते हैं निंदा प्रस्ताव या सेंसर मोशन। ये जो निंदा या प्रस्ताव या सेंसर मोशन है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और क्या क्या बिंदु हैं जो याद रखने हैं। जैसे कि नाम बता रहा है, सरकार की नीति या सरकार की आलोचना करने के लिए निंदा प्रस्ताव आता है, और यदि निंदा प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो भी सरकार को सरकार के त्यागपत्र देने की कोई बाध्यता नहीं है, ये केवल नैतिक आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो निंदा प्रस्ताव के बारे में जो प्रावधान है वो क्या है, ये है कि ये केवल लोकसभा में, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार मैंने जिक्र करते हुए आपको बताया कि सरकार की जो जिम्मेदारी है या सरकार को जो बहुमत सिद्ध करना है या सरकार जो जिम्मेदार है तो वो गणित के रूप में केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, यानी कि गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टुवर्ड्स लोकसभा एज फार एज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज कंसर्न, यानी कि 272 का आंकड़ा उसे यही दिखाना। तो सरकार के खिलाफ जो भी प्रस्ताव आएगा वो लोकसभा में ही रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया, इसके अंदर व्यक्तिगत मंत्रियों के खिलाफ भी ये लाया जा सकता है, व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। मान लीजिए किसी मंत्री ने जो है गलत सूचना उपलब्ध कराई तो ऐसे में उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लोकसभा में रखा जा सकता है, और यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार की निंदा के रूप में जाना जाता है। इससे ज़्यादा सरकार पर तकनीकी तौर पर कोई प्रभाव निंदा प्रस्ताव का नहीं होता। और किन चीज़ों को हम निंदा प्रस्ताव मान सकते हैं, निंदा प्रस्ताव किसको माना जा सकता है, जब भी संसद के अंदर बजट सत्र की शुरुआत होती है तो बजट सत्र को हमेशा प्रेसिडेंट संबोधित करता है या राष्ट्रपति उसको एड्रेस करता है। अगर राष्ट्रपति का भाषण खत्म होने के बाद उस पर एक प्रस्ताव आता है उसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, उसे कहते हैं थैंक्स मोशन। यदि धन्यवाद प्रस्ताव गिर जाए तो उसे भी निंदा प्रस्ताव के बराबर माना जाता है, या सरकार धन विधेयक लेके आई, मनी बिल लेके आई और मनी बिल पास ना हो पाए तो उसे भी निंदा प्रस्ताव के बराबर माना जाता है। अगला पॉइंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है अविश्वास प्रस्ताव। उसे आप इम्पोर्टेंट लगा लो अपने एग्ज़ाम के लिए, एसएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीडीएस का हो, सब एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये तात्पर्य क्या है, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ ये हो गया कि यदि सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो जाएं और ये सिद्ध करना चाहें कि सरकार को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मैंने कई बार जिक्र किया है कि सरकार को बने रहने के लिए, सरकार को 5 वर्ष पूरा करने के लिए लोकसभा में 272 सांसदों का समर्थन अवश्य चाहिए, और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि विपक्ष को लगता है कि सरकार के 272 का आंकड़ा घट गया है, कुछ उनके साथ जाकर मिल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। हालांकि देश में अब तक जितनी बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लगभग 23 बार लाया गया, तो आज तक कोई भी सरकार जो है इसके द्वारा गिराई नहीं जा सकी है। सवाल यह आता है, वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको निंदा में बताया था, कि यह कहां पर लाया जाता है, केवल लोकसभा में, यह इंपॉर्टेंट। दूसरा हो गया कि इसको किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष द्वारा, जैसे कि नाम
उल्लेखित करता है कि यह विश्वास प्रस्ताव है तो सरकार के विरुद्ध लाया जाएगा। इसके बाद है कि इसके प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव के ऊपर कितने सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन है डीपी कांस्टेबल का। अगर विपक्ष इस प्रस्ताव को चाहता है कि ये प्रस्ताव वोट के लिए रखा जाए, तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर इस पर अवश्य होना चाहिए और उसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो उस पर मतदान कराएंगे और यदि मतदान के अंदर सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, ये ध्यान रखिए सामान्य बहुमत सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जितने उपस्थित होंगे उसके आधे से एक ज्यादा यदि इसके पक्ष में मतदान करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है विश्वास प्रस्ताव। ये हाँ, एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। अब यहां पर आकर एक पॉइंट आता है, तो जो संविधान में नहीं है वो कैसे प्रक्रिया बनी, तो वो ऐसे है कि हमारे यहां पर अनुच्छेद 118 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि खुद के संचालन के लिए वो अपने नियम बना सकते हैं। तो लोकसभा खुद को संचालित करने के लिए अलग और राज्यसभा चाहे तो अलग नियम बना सकते हैं, उनके आधार पर इन नियमों के बनाकर इस कार्रवाई को संचालित किया जा सकता है। और यदि संविधान की पुस्तक हम देखें जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, उसमें उल्लेख प्राप्त नहीं। और एक और पॉइंट है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये एक सत्र में ही पारित होना चाहिए, एक सत्र में ही पारित। ऐसा नहीं हो सकता कि बजट सत्र में तो लाया गया और उसके बाद बजट सत्र समाप्त हो गया और मानसून सत्र में वो पुरानी प्रक्रिया जारी रहेगी, उसके बाद तो अगले सत्र में फिर से लाना, यानी कि एक सत्र में एक बार ही लाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बजट सत्र में दो बार लाया जाए और पारित भी करना है तो एक ही सत्र में। इसके बाद है हमारा अगला जो पॉइंट है वो आ गया विश्वास प्रस्ताव। तो जैसे अविश्वास है उसके बिल्कुल विपरीत जो है वो कहलाता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो है वो कौन लाता है, सरकार लाती है, किसके कहने पर, राष्ट्रपति महोदय के निर्देश पर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जैसे मैंने कहा गठबंधन की सरकार बनती थी हमारे यहाँ 2014 से पहले, तो गठबंधन के सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। और मान लेते हैं एक पार्टी है ए पार्टी, उसे तो मिला है 200 सांसदों का, 200 सांसद उसके जीत के आए हैं। बी जो है उसके सांसदों की संख्या मान लेते हैं 40 है, सी जो है इसकी मान लेते हैं 40 है। तो इसका मतलब है सरकार बनाने के लिए यदि तीनों गठबंधन बनाते हैं तो 280 हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये आंकड़ा प्राप्त होगा और राष्ट्रपति महोदय इस गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे। बीच में ऐसा भी हो जाता है और कई बार हुआ है कि ये जो गठबंधन के साथी हैं ये बीच रास्ते में इनका साथ छोड़ देते हैं, तो यदि इसमें जहां ये तीनों मिलकर सरकार बना रहे हैं इनमें से एक जो है सी वो अपना समर्थन वापस ले ले और इस आशय का जो पत्र है वो प्रेसिडेंट को दे दे, तब इनकी संख्या कितनी रह जाएगी, 240, यानी कि जो 272 के आंकड़े से काफी कम है। ऐसे में सर राष्ट्रपति निर्देश देंगे कि भाई आप जो है 272 का समर्थन दिखाने के लिए लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लेके आओ, इसलिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव की जो विशेषताएं हैं क्या है, ये भी केवल किस में लाया जाएगा, केवल लोकसभा में, और पारित किस आधार पर होगा, किस कितने बहुमत पे होगा, सामान्य बहुमत से ये पारित होगा, सामान्य बहुमत से। तीसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, तीसरा पॉइंट यह है जो सीडीएस के एग्जाम में आया कि भारत में तीन सरकार जो है विश्वास मत हासिल करने में असमर्थ रही और वो गिर गई। तो प्रधानमंत्रियों के नाम पूछे गए थे, कौन कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी सरकार विश्वास मत हासिल ना करने के कारण गिर गई, तो हम कहेंगे तीन प्रधानमंत्रियों में नाम है, एक तो वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह, और दूसरे हैं देवगौड़ा एचडी देवगौड़ा, और तीसरे जो है वो हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, ये याद करना। और एक पॉइंट और अविश्वास प्रस्ताव वाला ही है जो इसके अंदर भी रहेगा, वो कौन सा है कि भाई ये जो प्रस्ताव है इसका उल्लेख संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं।
इसके बाद अगला जो पॉइंट आ गया वो आ गया हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था, धन्यवाद प्रस्ताव ये होता है कि जब भी संसद के पहले सत्र की शुरुआत होती है, ये ध्यान रखिए कि जब भी हमारे संसद का प्रथम सत्र होगा उसमें दोनों एक साथ बैठेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा का गठन यानी कि नई कॉन्स्टिट्यूट होगी लोकसभा, तो इन्हें हमेशा जो है कौन संबोधित करेगा, राष्ट्रपति संबोधित करेगा। राष्ट्रपति का संबोधन, राष्ट्रपति के, ठीक। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जब साल की शुरुआत हुई, जैसे हमने कहा संसद का प्रथम सत्र जो वर्ष में शुरुआत होगी वो कौन सा होता है, वो होता है बजट सत्र। तो राष्ट्रपति चूंकि सरकार का मुखिया होता है तो सरकार की नीतियों का एक भाषण पढ़ता है और उसके भाषण के बाद ही बजट के सत्र की शुरुआत मानी जाती है। तो जब राष्ट्रपति महोदय का भाषण समाप्त होता है तो उसके बाद संसद के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स मोशन लाया जाता है। यदि थैंक्स मोशन पारित ना हो तो मैंने आपको बताया था वो निंदा प्रस्ताव के बराबर ही माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आ गया व्हिप। ये व्हिप क्या होती है, व्हिप का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार का जो भी राजनीतिक दल है उस राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं संसद के अंदर उन सदस्यों को उस पार्टी के व्हिप का नेता एक आदेश जारी करेगा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना मतदान करने या ना करने के लिए, और वो ये निश्चित करेगा कि जिस दिन संसद में संबंधित मुद्दे पर मतदान होना है उस दिन सारे सदस्य अवश्य उपस्थित हो। तो व्हिप का मतलब हो गया एक ऐसा आदेश जिस आदेश का पालन यदि संबंधित राजनीतिक दल का एमपी या एमएलए नहीं करेगा तो उस पार्टी का व्हिप का नेता सदन के संचालक से शिकायत करके उसकी सदस्यता को समाप्त करवा सकता है। इसका अर्थ ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने सदस्यों को ये निर्देश दिया कि आप सबको इसके विरुद्ध मतदान करना है और उसके लिए व्हिप जारी कर दिया, तो जब वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी मतदान है राज्यसभा के जो सांसदों का चुनाव है उसे छोड़कर सारे के सारे गुप्त मतदान है, सीक्रेट बैलेट है। जब वो मतदान होगा तो मतदान होने के बाद, नतीजे आने के बाद सबके मतों की जांच की जाएगी कि किसने पार्टी के आदेशों का पालन किया है अथवा नहीं। ये जांच करने के बाद जो है वो ये देखता है यदि कि पार्टी के आदेश के विरुद्ध किया है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं है। अगला हो गया हमारा आम चुनाव। आम चुनाव होते हैं सामान्यतः संसद लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, जैसे ही 5 वर्ष खत्म होंगे उसके बाद जो चुनाव आयोजित होंगे उनको आम चुनाव कहा जाता है। अगला बिंदु आगे संसदीय समितियाँ। तो देश की जो संसदीय समितियां हैं उनका कार्य क्या है, तो भारत के अंदर 2 प्रकार की समितियां बनती हैं। एक समिति तो कहलाती है स्थाई या परमानेंट, जिनकी संख्या अब हो गई है 24, और दूसरी होती है अस्थाई जिनको कहा जाता है टेम्परेरी। तो इन समितियों का काम क्या है कि संसद के जो विभिन्न कार्य हैं और संसद में जो बजट प्रस्तुत होता है उनकी बारे में जांच करना और उनके बारे में सलाह देने का काम जो है इन समितियों का होता है। तो यही इन दोनों के बीच में मूलतः अंतर है। स्थायी समितियां 24 हैं जो 1 वर्ष के लिए गठित होती हैं। अस्थायी समितियों का जो कार्यकाल है वो सदन का संचालक निर्धारित करता है कि जैसे ही कार्य पूरा हुआ उन्हें भंग कर दिया जाएगा या एक समय सीमा दे दी जाती है जिस दौरान उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी होती है। अब इसमें जो प्रमुख सदस्य प्रमुख समितियां हैं उन समितियों का उल्लेख कर रखा है, इसके बारे में आप लोगों को याद करना है कौन कौन सा हो गया इसके अंदर। संसदीय एक तो दे रखी है इसके अंदर आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दे रखी है लोक लेखा समिति, इसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये समिति है जो
जो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है जिसे सीएजी कहते हैं, सीएजी जो है वो कहलाता है भारत में वॉचडॉग, यानी कि भारत में पैसे का रखवाला। तो जब वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उसकी रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति करती है। इस दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है।